हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। अमेजिंग रेसिपी लेकर के आई हूँ आज मैं आपके लिए, पिज्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। साथ में मैं आपको कुछ ओटीजी में कैसे बेक करना है ये भी बताने वाली हूँ। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितना डिलीशियस, फ्लफी एंड बढ़िया सा यम्मी सा पिज़्ज़ा बन करके हमारा हो गया रेडी। सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा कैसे बनाया है। मैं यहाँ पे आपको डो की रेसिपी नहीं दे रही हूँ, उसका लिंक मैं नीचे छोड़ दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डो की रेसिपी देख ले, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। सो मैंने पहले डो प्रिपेयर कर लिया था, देन मैंने यहाँ पे उसके दो बेस तैयार कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का रखा है, मैंने बहुत थिक नहीं रखा है, थिन क्रस्ट बनाने की कोशिश करी है। देन मैं उसे प्रेक कर रही हूँ, और प्रेक करने से पहले मैंने पिज़्ज़ा बेस पे ऑलिव ऑयल स्प्रेड कर दिया था, उससे हमारा ब्रेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है जो उसका बेस होता है, और काफ़ी बढ़िया भी फ्लफी भी रहता है। तो मैंने प्रेक करने के बाद उस पर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा रहे, जो कि मार्केट से लेकर के आए थे, और बहुत ही आसानी से आपको ये मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप टोमेटो केचप में थोड़ा सा मिक्स हर्ब ऐड करके और थोड़ा सा उसमें चिली सॉस ऐड कर दें और उसे भी स्प्रेड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़े का होता है। तो चलिए देख लेते हैं आगे और क्या क्या किया हमने। उसके बाद मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। सो यहाँ पे जब भी हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसमें हमेशा चीज़ मोज़रेला ही यूज़ करें, उससे जो इफ़ेक्ट आता है ना, वो चुई वाला, वो बहुत ही अच्छा सा लगता है। सो मैंने दोनों ही बेस में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ ऐड कर दिया है। टॉपिंग्स आप अपनी चॉइस का रख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे दो डिफरेंट बना रही हूँ, एक पनीर का बना रही हूँ, ओनली पनीर, एंड एक में मैं वेजीज़ वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज, शिमला मिर्ची, टमाटर और ग्रीन ऑलिव्स के साथ यहाँ पे टॉपिंग अपनी चॉइस का रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना ओटीजी 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने रख दिया था, जो कि हमारा ओटीजी हो चुका है प्री हीट। अच्छा, बोथ रॉड्स मैंने ऑन किए थे। सो आगे देखते हैं, ये मिडल सेल्फ में गया, इसे हमने बंद कर दिया। ये अभी भी 180 ही रखना है हमें, और अभी इसे हम बेक मोड में डाल रहे हैं। बेक मोड में डाला हमने, और हम इसे अभी 15 मिनट्स के लिए इसमें बेक करेंगे, और फैन मैंने ऑन रखा हुआ है। अब हम इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे, आपको दिख रहा होगा पहले और अपने अंतर, हमारे ब्रेड जो है वो अच्छा बेक हो चुका है। इसे थोड़ा स्मोकी टेस्ट लाने के लिए ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, हम इसे ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे बंद कर रहे हैं अपर सेल्फ में लाने के। अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर वही रखना है, टेम्परेचर को हम नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमें क्या करना है, ये वाले अपर जो रॉड होता है वो ऑन कर रही हूँ मैं, और इसी में 10 मिनट्स के लिए रख रही हूँ, और अभी भी फैन ऑन है। सो 10 मिनट के बाद आपको दिख रहा होगा हमारा कितना डिलीशियस सा पिज़्ज़ा हो गया बन करके तैयार, उस पर कितना अच्छा बर्निंग इफेक्ट आया है, बहुत ही बढ़िया क्रस्ट बना था, साथ में बहुत ही बढ़िया बेक भी हुआ था, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि हमारा ऊपर ही नहीं नीचे से भी पिज़्ज़ा बहुत ही बढ़िया सिका हुआ है, बहुत ही परफेक्ट बेक हुआ है, ये देखिए। सो नीचे भी हमारे बेस का जो फ्लफी है आपको दिख रहा होगा, कितना बढ़िया ये नीचे से भी पका हुआ है। सो जब मैंने ये सब हम टॉपिंग्स वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे थे, मैंने इसे प्री हीट पे रख दिया था, 180 डिग्री पे रखा था, बोथ रॉड ऑन किया था एंड 10 मिनट्स के लिए किया था। सो यहाँ पे यम्मीएस्ट पिज़्ज़ा बनकर के हो गया तैयार। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसमें कितना बढ़िया चीज़ का इफ़ेक्ट आया है, बिल्कुल जैसा हम डोमिनोज़ या मार्केट से बाय करके लाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है। ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया है ना 10 मिनट्स का, ये ज़रूर आप अपने पिज़्ज़ा जब भी आप बनाएं तो करें, तो उससे ही इस तरीके का आपका पिज़्ज़ा बनता है, वरना आप सिर्फ बेक मोड डाल के बनाओगे तो कभी भी ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आपको मेरे कंटेंट या मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हो प्लीज़ नीचे आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाएं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके कॉमेंट्स का आंसर करने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।